हेलो पेरेंट्स, ये वीडियो आपके वैल्यूएबल फीडबैक के बाद बनाया है। तो आप जो इश्यूज फेस कर रहे थे उसका सोल्यूशन है ये वीडियो में। तो फर्स्ट इशू था कि स्क्रॉल करने के बाद आपका पेपर टोटली ब्लैंक होता है। तो वो क्यों होता है मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया है। अभी आंसर्स भरते जाइए। अभी नेक्स्ट है ऐड फाइल का ऑप्शन। तो जब भी ऐड फाइल का ऑप्शन रहेगा, बच्चों को पहले बुक में लिख के लेने बोलना है और फिर फ़ोटो क्लिक करके, एक वीडियो भेजा था कि फ़ोटो का साइज़ कैसे कम कर सकते हैं, तो वो ज़रूर वॉच कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। तो फ़ोटो लाइब्रेरी से लेना है फ़ोटो। ध्यान रखिए कि वो फोटो केबी में हो। अभी नीचे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक कीजिए। देख सकते हैं कि फोटो अपलोड हो रही है। ओके, अभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से स्क्रॉल करते हैं और फिर आपका जो पेपर है वो रिफ़्रेश हो जाता है, इसलिए आपका पेपर ब्लैंक दिखता है। तो बच्चों को बोलना है कि केयर लीजिए जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से अगर स्क्रॉल करेंगे तो वो पेपर रिफ़्रेश हो जाता है। तो जब स्क्रॉल करते हैं ध्यान से स्लोली स्लोली स्क्रॉल कीजिए। अभी मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था तो जल्दी से स्क्रॉल करने के वजह से मेरा पेपर ब्लैंक हो चुका है। ये था आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। तो उसका सॉल्यूशन है कि स्लोली से स्क्रॉल कीजिए। सेकंड, ऐड फाइल में प्रॉब्लम आता है। ऐड फाइल में क्यों प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो एक तो ज़्यादा होता है इस वजह से। तो एक वीडियो भेजा था हमने फाइल साइज़ कैसे कम करना है, तो वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। सेकेंड, आज जब आपको लिंक आएगी 3 बजे, तो आपको क्या करना है, लिंक ओपन करके क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना है और जितने भी ऐड फाइल के ऑप्शन हैं वो बच्चों को पेपर में पहले लिखने बोलना है एक साथ। जो भी अगर 3 ऐड फाइल रहेगा तो 3 आंसर्स पहले पेपर में लिखने बोलना है, उसके बाद उनको वो पेपर्स का फ़ोटो क्लिक कीजिए और पहले वो फ़ोटोज़ का MB से KB कीजिए, उसके बाद गूगल फॉर्म में डिटेल्स भरना चालू कीजिए। पहले जब आप डिटेल्स भरोगे तब ऐड फाइल के जो भी क्वेश्चंस है उसको ऐड कीजिए पहले, फिर ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, फिर जाके आप सबमिट कीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो था सेकेंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। थर्ड है कि जो भी वीडियोस हम ग्रुप में भेज रहे हैं प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। और एक और बात है, बच्चों को 2 बार ही पेपर सॉल्व करने बोलिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, पेपर का फ़ोटो, आंसर्स का फ़ोटो निकाल के टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए,
तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, सभी वीडियोस को आप एक और बार देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।